ये मिनटों में बनने वाली ओट्स पिज्जा ब्रेड की यमी और हेल्दी रेसिपी खाकर आप कहेंगे दिल मांगे मोर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली एंड वेलकम टू दिल मांगे मोर रेसिपीज। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, टिफिन में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैंने ओट्स का यूज़ किया है। आजकल ओट्स बहुत इजीली अवेलेबल है छोटे पैकेट्स में और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ओट्स लिया है। ओट्स को हम ग्राइंडर जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे। ओट्स रेडी है, ये देखिए इस तरह का पाउडर होना चाहिए। अब एक बोल में हम 3 टेबलस्पून जो पीसा हुआ ओट्स है उसको डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून हम बेसन डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और सब अच्छे से हम मिला देंगे। अब इसमें हम सावधानी से पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली यानी कि लम्स फॉर्म नहीं हो। अभी तक इसमें 1/2 कप पानी यूज़ हो गया है और ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं और बैटर को ढक के रख देते हैं। एक बोल में 1/2 कप चॉप्ड टमाटर डालेंगे, 1/2 कप चॉप्ड कैप्सिकम डालेंगे, 1/4 कप चॉप प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर कर धनिया पत्ता डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून और सब अच्छे से मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को एडजस्ट करें। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, ये वाइट ब्रेड है, इस पर मक्खन लगा देंगे। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। सब ब्रेड स्लाइसेस में मक्खन लग गए हैं। एक कटोरी लेकर हम इसको स्लाइस को हम गोल काट लेंगे, देखिए इस तरह से। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड की किनारी नहीं कटे। सब ब्रेड स्लाइसेस इसी तरह काट लेंगे। हमने जो घोल बनाया था ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है, तो इसमें हम पानी मिलाकर इसको हम पतला कर लेंगे। देखिए ये इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। एक पैन को हम गैस पर चढ़ाएंगे और हल्का सा तेल लगाकर उसके ऊपर हम कटी हुई स्लाइस रख देंगे और फिर उस पर जो सब्जियां हम लोगों ने मिक्स की थी वो कटी हुई सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर सब्जियों में आप बॉइल्ड कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद की सब्जियाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल्दी पक जाने वाली सब्जियों का यूज़ किया है जो झटपट बन जाती हैं। अब इस पर हम ओट्स का बैटर डालेंगे। ओट्स के बैटर को हमें पतला ही रखना है जिसके कारण हमारा जो पिज़्ज़ा टोस्ट है वो कच्चा नहीं रहेगा, वो जल्दी पक जाएगा। ब्रेड साइज़ के अकॉर्डिंग 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम ओट्स का बैटर डालेंगे। मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, आप चाहें तो ऑरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डालेंगे, आप चाहें तो स्लाइस चीज़ नहीं तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे और ऊपर से ये जो हमारा जो सर्कल जो ब्रेड का कटा हुआ था उससे इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर हम हल्का मक्खन लगाएंगे और इसको देखिए इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसको सेक लेंगे चारों तरफ से। दो मिनट एक तरफ से सिक जाने के बाद में हम इसको टर्न कर देंगे और इसकी दूसरी साइड भी हम सेक लेंगे। ये जितना देखने में कलरफुल है उतना ही खाने में भी यमी है। यहाँ पर मैंने हल्का सा मक्खन का और यूज़ किया है, खाने में ये इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से मक्खन लगाएं। और ये हमारा ओट्स पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। बीच में से सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ चीज़ के साथ में बहुत ही टेस्टी और साथ में थोड़ा हल्का कुरकुरा भी है, तो इसको आप इंजॉय करिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी
तो इसे ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।